Hello friends, welcome to the Current Affairs Decoded discussion. Myself Shivaji Kale. In today's discussion, we are going to take the news for 7th April. Whatever the important information related to it in the forms of notes and otherwise, we are going to provide it on our Telegram channel, Shivaji Kale Current Affairs. So, coming to the first news, it is about MP lads suspended. क्या है एमपी लैड्स तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम दिस इज एक्चुअली अ फंड प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में देखो इंपॉर्टेंट याद रखना आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है इसमें क्या क्या डिफरेंस है एक बार थोड़ा सा देख लेना ठीक है तो ये तो भैया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसमें क्या किया जाता है जो भी एमपीज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके लिए एवरी ईयर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द फंड्स ऑफ 5 करोड़ रुपीज ठीक है एंड दीज एमपीज ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन कैन यूज दिस फंड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कम्युनिटी लेवल का जो काम होता है फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर एजुकेशन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन रोड है कि नहीं ब्रिजेस वगैरह एक्सेट्रा बनाने के लिए वो फंड करते हैं ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन फंड्स का रिलीज करने का एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस उसमें देख लेता है ये एक्चुअली जो होता है ये ग्रांट इन एड होता है अंडर द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड ये नॉन लैप्सेबल होता है इसका मतलब क्या होता है तो फॉर फर्स्ट ईयर सपोज दिस पर्टिकुलर फंड इज एलोकेटेड इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर ठीक है तो अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए ये इस साल की इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है बिकॉज Prime Minister, under the decision of Council of Minister, has taken decision to cancel this MP lads. Cancel किया है, मतलब cancel नहीं किया है. Actually, इसका जो पैसा है, it is going to go to the Consolidated Fund of India. ठीक है? तो, last time में मैंने आपको बोला था, 3 funds होते हैं, Consolidated Fund, है कि नहीं? Contingency Fund and Public Account Fund. ठीक है? जैसे ये इंडिया का होता है ऑफ इंडिया वैसे ये स्टेट का भी होता है ठीक है तो ये देख लेना क्या है 3 चीजें आपकी बुक में दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो होता है ये अंडर पर्टिकुलरली ये जो फंड होता है ये कंटीजेंसी वाला ये 500 करोड़ रुपीज का हमेशा रखा जाता है फॉर द एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी कंटीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो अंडर द पार्लियामेंट होता है ठीक है Whenever you want to take out money from this particular fund, parliamentary approval is required. Public account fund होता है ये executive के under होता है इसके लिए कोई parliament का permission नहीं लगता है तो इसके बारे में जो जो अलग और चीजें है वो भी देख लेना Now इस particular news में second important aspect is about salaries and allowance of pensions of member of parliament. तो ये act है देखो 1954 का act है ठीक है तो यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमपीज की सैलरी कौन डिसाइड करती है ठीक है और आपको ऑप्शंस देंगे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट देन प्रेसिडेंट ठीक है या नन ऑफ द अबव ऐसे करके पूछेंगे और पूछेंगे सही कौन है तो आपको बताना पड़ेगा भाई पार्लियामेंट डिसाइड करता है बाय एक्ट कौन सा एक्ट है 1954 का एक्ट है और उसको बहुत बार अमेंडमेंट भी की गई है अभी भी रिसेंटली उसके अमेंड नहीं किया गया बोल सकते क्योंकि उसको ऑर्डिनेंस पास किया गया है क्योंकि अभी सेशन चालू नहीं है ठीक है तो उसमें किस किस के सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन की बात होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा अभी देखो इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड अलाउंस ऑन पेंशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो 1, 2, 3 ऐसे करके ऑप्शन बताएंगे उसमें जानबूझ के लिखा जाएगा चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा सो तो ये नहीं आएगा बिकॉज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट तो उनका अलग सिस्टम है ठीक है आगे जाते हैं देखो नेक्स्ट न्यूज आया है आईसीएमआर टू गेट 10 लाख आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरी चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर तो इसको इंपॉर्टेंट हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखो पूछेंगे 2 चीजें इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी है देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरी चेन रिएक्शन ये एक टाइप का टेस्टिंग है ठीक है
एंड एंटीबॉडीज टेस्ट, ये भी एक टाइप का टेस्ट है कोरोना वायरस का बारे में। लेकिन इसको हम लोग जनरली स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज टेस्ट में क्या टेस्ट करते हैं कि एक आधा पर्सन को अगर इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या एंटीजीन्स डेवलप करता है। क्या किसी इंडिविजुअल के बॉडी में एंटीजीन या एंटीबॉडीज डेवलप हुए क्या, ये टेस्ट करता है, उसके बारे में वो बता सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट। बट दिस इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, दैट्स वाई इट इज ओनली यूज फॉर द स्क्रीनिंग पर्पज। तो पहली टेस्ट ये की जाएगी, अगर ये पॉजिटिव है तो बंदा पॉजिटिव है ही 100%, अगर निगेटिव है तो दे विल गो फॉर दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो उसमें एक्चुअली जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसको टेस्ट किया जाता है। अगर है किसी के अंदर ये आरएनए एग्जिस्टिंग, तो ये डायरेक्ट एविडेंस मिल गया कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इन्फेक्टेड। दैट्स वाई इट इज जनरली यूज्ड एज अ सेकंड स्टेज इन इंडिया, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ये फास्टर है, ठीक है। तो इंडिया में अभी देखो आईसीएमआर क्या बोल रहा है, ये आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट्स को 10 लाख वो करना चाहता है, सिंपल रीजन टू इंक्रीज द टेस्टिंग कैपेसिटी इन द कंट्री, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज इस आर्टिकल में हम लोगों को पढ़नी चाहिए, दैट इज अबाउट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये अभी देखो आपने भी चर्चा में सुना होगा, यूएसए वॉज रिक्वेस्टिंग इंडिया टू सेंड द शिपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग्स। टैबलेट्स है ये, किसके चीज के लिए यूज की जाती है, तो सार CO2V इन्फेक्शन जिस पर्सन को हुआ है उससे जिन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल द हेल्थ वर्कर्स वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी और द पर्सन हु इज इन्फेक्टेड उसके फैमिली मेंबर्स और लोकेलिटी के मेंबर्स, दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो उस केस में जनरली इस ड्रग को दिया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो क्या ही है, एक्चुअली दिस इज एन एंटी मलेरिया ड्रग, ऑलरेडी डेवलप किया गया है, तो इसीलिए अभी एग्जैक्टली कोई COV के बारे में कोई एग्जिस्टिंग अवेलेबल ड्रग है नहीं, तो इसको प्रिकॉशन की तरह देने की जरूरत है। दैट्स व्हाई यूएसए वाज आल्सो आस्किंग इंडिया टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फ्रांस में ऑलरेडी ये ट्राई किया है, और दो दिस पर्टिकुलर टेस्टिंग इज वेरी लिमिटेड, ओनली फॉर फ्यू पीपल दे हैव टेस्टेड इट, बट इट हैज शोन सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है ज्यादा टेस्ट करने का, तो वी आर यूजिंग वॉट एवर इज द अवेलेबल ड्रग। लेकिन उसके बारे में देखो एक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि अगर ये डोसेज बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना कंसल्टेशन के फ्रॉम द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लिए, तो इट कैन हैव अ इंस्टेंट कार्डियक एंड लिवर डैमेज, तो ये पोटेंशियली डेंजरस भी है, तो आप खुद मत लीजिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना। और जो यूएसए के साथ पर्टिकुलरली इशू हुआ है या फिर दूसरी कंट्रीज भी इंडिया को डिमांड कर रही है, क्योंकि क्या है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिपोर्ट्स इंडिया हैव अ एम्पल स्टोरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग, तो इंडिया को बोल रहे आप दे दो। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने कि इंडिया हैज अ सफिशियंट स्टॉक पाइल एंड ऑल्सो इनफ फॉर एक्सपोर्ट। तो अभी थोड़े दिनों पहले देखो इंडिया ने यूएसए को थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी कर दिया। एग्जाम के दृष्टि से हम लोगों को ये पता होना चाहिए, और एग्जाम के दृष्टि ने ये दोनों टेस्टिंग का नाम भी पता होना चाहिए, मेथड भी पता होना चाहिए। होमवर्क के लिए एक चीज ले लो, आरएनए डीएनए एंटीबॉडीज, ये चीजें आप देख लेना होमवर्क के लिए, पक्का करना। लास्ट ईयर भी आरएनए पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक, आगे जाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, देखो पेंच टाइगर डेथ रेजेस COVID-19 फियर। तो एक्चुअली क्या हुआ है, एक न्यूयॉर्क में यूएसए में एक ब्रॉन्ज जू नाम का एक है, वहां पे टाइगर को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो हमारी जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने सारे टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ के जो अथॉरिटीज है, पर्टिकुलरली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स है, उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया, एडवाइजरी भेज दिया। तो पर्टिकुलरली पिंच टाइगर रिजर्व जो है वहां पे एक टाइगर की डेथ हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉम द प्राइमरी ऑब्जर्वेशन इट इज बिकॉज ऑफ सम रेस्पिरेटरी डिसीज। और आपको पता ही है कि कोरोना वायरस इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिसीज। लेकिन सच में कोरोना वायरस हुआ है या राइनो ट्रैसेचिस नाम का हुआ है इन्फेक्शन उसको,
ये पहले वो टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये राइनोट्रासिस वाला जो है ये वायरल इन्फेक्शन है, ये जनरली कैट्स में, तो एक्चुअली टाइगर तो कैट्स का ही टाइप है, उसमें होता है और ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस डेवलप करता है। तो ये टेस्ट करेंगे अगर ये है क्या, नहीं तो कोविड 19 का भी टेस्ट करेंगे, अगर है तो प्रॉब्लम है भैया, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अभी हमारे एग्जाम के दृष्टि से देखो एनवायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगाएंगे, उसमें देखो मध्य प्रदेश में आता है पेंच टाइगर रिजर्व, देखो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो बाकी के कौन कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं, देखो पन्ना टाइगर रिजर्व एक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक है, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व एक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से आजू बाजू के भी टाइगर रिजर्व आप देख लेना, पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। मेघाटे ये कहाँ पे है, देखो महाराष्ट्र में है क्या, ताड़ोबा अंधेरी है क्या, ये महाराष्ट्र रीजन है, ठीक है, ये एमपी रीजन है, थोड़ा सा देख लेना। ये राजस्थान रीजन है, राजस्थान में देखो ढूंढना सारिस्का टाइगर रिजर्व दिख रहा है क्या आपको, है कि नहीं, रणथंबोर टाइगर रिजर्व दिख रहा है क्या। फिर ये गुजरात है, गुजरात में देखो कोई टाइगर रिजर्व है क्या, है कि नहीं, गुजरात का आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए गीर, ठीक है। तो लेकिन गीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है एशियाटिक लायंस, ये भी देख लेना। एशियाटिक लायंस के बारे में होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लेना आप, ठीक है, होमवर्क में आज आप कर लेना एशियाटिक लायंस, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ ये पर्टिकुलरली, क्योंकि कुछ दिनों पहले एशियाटिक लायंस भी एक इन्फेक्शियस डिसीज से उनकी डेथ हुई थी, तो कौन सा इन्फेक्शियस डिसीज है ये वो देख लेना। उसके बाद में होमवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेना कि एशियाटिक लायंस का रिकवरी प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, रिलोकेशन एंड रिकवरी प्रोग्राम। तो रिलोकेशन प्रोग्राम हुआ क्या एक्चुअली, या उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क कौन कौन से उन्होंने बताए थे जिसमें एशियाटिक लायन को आपको रिलोकेट करना है, देखना कोई मध्य प्रदेश का प्रोटेक्टेड एरिया उन्होंने वहां पे मेंशन किया था क्या। तो यूपीएससी क्या करेगी, वो वाला प्रोटेक्टेड एरिया एग्जाम में आपको पूछेगी, उसका लिंक होगा एशियाटिक लायंस के साथ, क्योंकि कुछ दिनों पहले अबाउट 2 to 3 डजन्स ऑफ लायंस डाइड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आज के डिस्कशन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे यूनिक डिस्कशन नाम के टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। बाकी की इसके रिलेटेड की इंफॉर्मेशन मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन इन द करेंट अफेयर्स डिकोडेड। Myself Shivaji Kale signing off. Stay at your home, stay safe, but stay in competition.